प्यारे बच्चों, JCERT और JAC द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों ने अनुरोध किया था कि सर हिंदी इलेक्टिव का सेट तैयार कर दीजिए, तो हिंदी इलेक्टिव सेट 1 का आज हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। और अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो खंड क में है अपठित बोर्ड, ये कहानी को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों को हल करना। तो पहला है, विज्ञान की प्रगति में किसमें वृद्धि हुई? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि, तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक सुख साधनों में, पहला का भी। दूसरा है, विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है? तो इसका ऑप्शन है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृति हो जाता है और भी बहुत सारे समस्याएं हैं, तो इसमें से हम लोग कह सकते हैं कि इनमें से सभी, दूसरा का डी आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्मवाद। चौथा क्वेश्चन है, विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो इसका ऑप्शन सी सही है आपका, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, 5 से 8 तक जो है ये कविता को पढ़कर इससे आपको क्वेश्चन हल करना। तो पांचवा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किससे संबोधित कर रहा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं मुसाफिर, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ सूल ही पथ के थका दे, तो यहाँ मुसाफिर को, तो इसका आंसर सी होगा। छठा है, कवि संघर्षों का सामना करने का क्या रास्ता बतलाता है? तो इसका आंसर ए होगा, संघर्षों का मुस्कुरा कर सामना करना। सातवां नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए, तो उपर्युक्त जो है आपका पद्यांश उसका सही शीर्षक है डी मुसाफिर। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पर्यायवाची शब्द है पंथी। खंड ख, तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुए जिसका अर्थ होता है चलना या और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, मतलब इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। दसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है? तो विल्बर श्रेम। आलेख एक विद्या है, तो गद्य लेखन का। 12 है, फिल्म जन संचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो दृश्य श्रवण माध्यम। पिक्चर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसका होता है रूपक। अगला क्वेश्चन है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादक के द्वारा। 15 है, जन संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो सूचना देना और शिक्षित करना। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। 17 है, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है? तो जन संचार। विश्व की पहली फिल्म कौन सी थी? तो अराइवल ऑफ ट्रेन। अगला क्वेश्चन है 19, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये जो कविता दिया हुआ था इसके रचयिता कौन है पंक्ति के? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसी पर आधारित क्वेश्चन अगला है 20, उपरोक्त पद्यांश किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में है। 21 है, कापा अधरो पर थर 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 पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पूर्ण रूपति प्रकाश अलंकार। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो सरोज स्मृति से।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, देवसेना का गीत शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो स्कंद गुप्त। कार्निलिया कौन थी? तो सेल्यूकस की बेटी। मदन महीना किसे कहा गया है? तो वसंत को। 26 है, एक कम कविता में कवि किस चीज के लिए लोगों को दूसरे के सामने हाथ फैलाते हुए देखता है? तो कुछ पैसों के लिए, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, आज सत्य की पहचान करना बहुत आसान हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में, यह गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इससे क्वेश्चन को हल करना। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है? तो संबदिया। गांव गांव संवाद पहुंचाने का काम कौन करता है? तो हर गोविंद, ए ऑप्शन सही है, हर गोविंद। 30 है, ना आगे नाथ ना पीछे पगा का क्या अर्थ होता है? तो कोई जिम्मेदारी ना होना। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से मर्द गुलाम संवाद में नशा है सो विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है, गांधी नेहरू और यासिर अराफत शीर्षक पाठ भीष्म साहनी की आत्मकथा का एक अंश है। भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आज के अतीत। बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी? तो भथुआ का साग, भथुआ साग होगा। 34 है, लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चिंताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे? तो इसका हो जाएगा रामचरितमानस और रामचंद्रिका, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन सही है। 35 है, मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? तो निस्संदेह लोग, 35 का ए हो जाएगा। 36, कहाँ से मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता था? तो मसान की मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो रंगभूमि। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह कथन किसका है? तो जगधर का। सुभागी भौरों से डरकर रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी? तो सूरदास की झोपड़ी में। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।